हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जियोलॉजी एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रैटिग्राफिक यूनिट। अब स्ट्रैटिग्राफी क्या है, आप सभी को पता है, ठीक है, रॉक बेड का या फिर जो आप बोल रहे हो मतलब स्ट्राटा या फिर स्ट्राटम, उसका डिस्क्रिप्शन को ही हम बोल रहे हैं कहीं ना कहीं स्ट्रैटिग्राफी का। स्ट्रैटिग्राफी क्या आप सभी को पता है, प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस भी कर लिया था। तो आज हम बात करने के वाले हैं स्ट्रैटिग्राफिक यूनिट, मीन स्ट्रैटिग्राफी को जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसके लिए कुछ यूनिट चाहिए होता है, ठीक है। जैसे अभी मैं बोलूँगा आपको एग्जाम्पल, आपको वेट को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। वेट को किस तरह आप रिप्रेजेंट करोगे, ऑब्वियसली आप उसको किलोग्राम में या फिर ग्राम में, मिलीग्राम में, इस तरह आप उसको रिप्रेजेंट करोगे। या फिर मैं अगर उसको बोलता हूँ आपको टाइम को रिप्रेजेंट कीजिए, तो टाइम को आप किस तरह रिप्रेजेंट करोगे, आप उसको आवर्स में, मिनट में, सेकेंड में, मिली सेकेंड में, इस तरह आप टाइम्स को भी रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। इसी तरह जब बात करते हैं जियोलॉजी में स्ट्रैटिग्राफी का रिप्रेजेंटेशन, तो उसका जो यूनिट रहता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रैटिग्राफिक यूनिट, ठीक है। और स्ट्रैटिग्राफिक यूनिट को मेजरली तीन टाइप में क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। क्रोनोस्ट्रैटिग्राफिक यूनिट, ठीक है, मतलब मेजर जो हमारे पास स्ट्रैटिग्राफिक यूनिट है तीन टाइप का है, क्रोनोस्ट्रैटिग्राफिक यूनिट, एक है हमारे पास लिथोस्ट्रैटिग्राफिक यूनिट, एक है हमारे पास बायोस्ट्रैटिग्राफिक यूनिट, ओके। तो ये तीन टाइप के हमारे पास स्ट्रैटिग्राफिक यूनिट है। बट ये जो अब टर्म आ रहा है यूनिट क्या, जैसे अभी मैं आपको एग्जाम्पल दिया था कि आपको आवर्स को, आप जो जैसे आपको टाइम को रिप्रेजेंट करना है, टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए आप किस किस यूनिट का यूज करोगे या फिर किस किस यूनिट के अकॉर्डिंग आप उसको टाइम को रिप्रेजेंट करोगे, तो ऑब्वियसली आप आवर्स को यूज करोगे, तो आवर्स क्या है, एक यूनिट है। उसी तरह आप मिनट को यूज करोगे, मिनट क्या है, एक यूनिट है। उसी तरह आप सेकंड को यूज करोगे, सेकंड क्या है, वो भी एक यूनिट है। किसका यूनिट, टाइम का। उसी तरह जियोलॉजी का भी एक मतलब डिफरेंट डिफरेंट यूनिट है, ठीक है। जियोलॉजी का जो भी स्ट्रैटिग्राफी का जो टाइम स्केल है या फिर स्ट्रैटिग्राफी का जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसका जो यूनिट्स है उसका भी डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स है। लाइक अभी मैं आपको बोला था वेट में, ठीक है, मतलब जो वेट को आप रिप्रेजेंट करते हो तो आप उसको किसके अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करते हो, किलोग्राम के अकॉर्डिंग, ठीक है, ग्राम के अकॉर्डिंग, मिलीग्राम के अकॉर्डिंग। तो ये जो किलोग्राम, मिलीग्राम, ग्राम क्या है, ये एक एक यूनिट है। उसी तरह जियोलॉजी में भी यूनिट्स है। तो हमने जियोलॉजी का जो भी यूनिट्स है उसको मेजरली, मतलब जियोलॉजी मीन्स यहाँ पर हम स्ट्रैटिग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं जियोलॉजी, ओके। मतलब मेजरली जो टाइम यूनिट रिप्रेजेंट किया जाता है किसके अंदर, स्ट्रैटिग्राफी के अंदर। स्ट्रैटिग्राफी क्या है, जियोलॉजी का एक ब्रांच है, तो ऑब्वियसली हम बोल सकते हैं जियोलॉजी का जो टाइम यूनिट है या फिर स्ट्रैटिग्राफिक टाइम यूनिट यहाँ पर बोला जा रहा है, तो उसको मेजरली मतलब तीन टाइप का ही आपके पास स्ट्रैटिग्राफिक टाइम यूनिट है, ठीक है। स्ट्रैटिग्राफिक यूनिट जो है मेजरली तीन टाइप का आपको दिख रहा है, एक है हमारे पास क्रोनोस्ट्रैटिग्राफिक यूनिट, ठीक है, देन हमारे पास है लिथोस्ट्रैटिग्राफिक यूनिट, अगेन हमारे पास है बायोस्ट्रैटिग्राफिक यूनिट, ओके। तो ये तीन टाइप के हमारे पास यूनिट है। तो आप वन बाय वन देखते हैं लिथोस्ट्रैटिग्राफिक यूनिट क्या है और उसके बाद आपके पास क्रोनोस्ट्रैटिग्राफिक यूनिट क्या है, उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। जैसा भी मैं एग्जांपल दिया आपको, टाइम को आपने रिप्रेजेंट करना है आपको, ठीक है, टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए आप आवर्स यूज कर रहे हो, मिनट यूज कर रहे हो और सेकेंड यूज कर रहे हो, तो ये सब क्या है, मतलब एक मतलब पैरामीटर से या फिर इसी को ही हम बोल रहे हैं यूनिट, इसके अकॉर्डिंग आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है। और अगर मैं आपको यहाँ पर मतलब इसका एक ऑर्डर बताऊँ, तो यहाँ पर से इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब ऊपर जो इंक्रीज उसके बाद और थोड़ा सा उससे डिक्रीज हुआ है ऊपर से और डिक्रीज हुआ है सेकेंड, मीन्स यहाँ पर जो यूनिट में डिक्रीज मतलब डिक्रीज देखने को मिल रहा है, ठीक है, लेंथ में। उसी तरह यहाँ पर भी उसी तरह हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब ग्रेजुअली डिक्रीज करते हुए हम इसको रिप्रेजेंट करने को ट्राई करेंगे। तो क्रोनोस्ट्रैटिग्राफिक यूनिट क्या है देखते हैं सबसे पहले। क्रोनोस्ट्रैटिग्राफिक के अंदर भी कुछ अपने ही उसके पैरामीटर्स है, ठीक है। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया टाइम के अंदर जो हम रिप्रेजेंट करते हैं उसके अंदर भी पैरामीटर्स है, आवर्स में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, मिनट में रिप्रेजेंट कर सकते हो और सेकंड में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो यहाँ पर हम क्या डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहे हैं, उसी तरह क्रोनोस्ट्रैटिग्राफिक यूनिट जो है उसको भी आप मतलब इओनथेम में रिप्रेजेंट कर सकते हो, एराथेम में रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये एराथेम, ये इओनथेम, सिस्टम में रिप्रेजेंट कर सकते हो, सीरीज में रिप्रेजेंट कर सकते हो, स्टेज में, सब स्टेज में, जोन में, ठीक है। ये भी ऑब्वियसली डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मीन्स कुछ जोन मिलकर एक स्टेज बनाते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ सेकंड मिलके मतलब 60 सेकंड आप बोलोगे तो एक मिनट बनता है, उसी तरह मतलब 60 मिनट बोलोगे तो वन आवर बनता है, ठीक है, फिर अगर 24 आवर्स बोलोगे तो वन डे बनता है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर भी कुछ जोन मिलकर, अब यहाँ पर जैसे मैंने एग्जैक्टली नंबर बता दिया 60, तो यहाँ पर उस तरह कुछ मतलब स्पेसिफिक नंबर नहीं है, ठीक है, कुछ है मतलब जोन मिलके एक आपको सब जोन मतलब सब स्टेज देते हैं, ठीक है, और कुछ सब स्टेज मिलके एक स्टेज देते हैं, उसी तरह कुछ स्टेज मिलके एक सीरीज देते हैं, उसी तरह कुछ सीरीज मिलके एक सिस्टम, और कुछ सिस्टम मिलके एक एराथेम, और कुछ एराथेम मिलके इओनथेम, ठीक है। सबसे जो मतलब लार्जेस्ट यूनिट है क्रोनोस्ट्रैटिग्राफिक यूनिट के अंदर भी जो सबसे लार्जेस्ट है वो है इओनथेम, और सबसे स्मॉलेस्ट है जोन, ठीक है। अब ये पहला था हमारा क्रोनोस्ट्रैटिग्राफिक यूनिट, और इसके ऊपर आपको एमसीक्यू पूछने ही वाला है, तो लास्ट में आपको बताऊंगा भी किस तरह आपको वो एमसीक्यू पूछ सकता है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, लास्ट में हम उसको डिस्कस करेंगे किस टाइप में आपको इसके ऊपर से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमने क्रोनोस्ट्रैटिग्राफिक यूनिट देखा, अब हम देखेंगे हमारा मतलब हम अभी देखेंगे लिथोस्ट्रैटिग्राफिक यूनिट, ओके। तो लिथोस्ट्रैटिग्राफिक यूनिट भी देखते हैं क्या है। अब टर्म में लिथो मीन्स कहीं ना कहीं हम रॉक बेड का बात करें, मीन्स रॉक बेड को जैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था किलोग्राम को आपको रिप्रेजेंट करना है या फिर आपको जो वेट को रिप्रेजेंट करना है, स्पेशली जब बात करते हैं वेट का, तो वेट को किस तरह आप रिप्रेजेंट करोगे, केजी में रिप्रेजेंट करोगे,
ठीक है, ग्राम में रिप्रेजेंट करोगे और आप उसको मिलीग्राम में भी रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, उसी तरह जब बात आता है रॉक बेड का, ठीक है, लिथो स्ट्रैटिग्राफिक यूनिट मीन्स यहाँ पर लिथो मीन्स रॉक। ठीक है, रॉक बेड को जब भी हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको भी कुछ इस तरह हम रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे बड़ा यूनिट जिसे यहाँ पर आपको केजी दिख रहा है, उसी तरह सबसे बड़ा यूनिट जो यहाँ पर रहता है वो रहता है सुपर ग्रुप। ठीक है, कुछ ग्रुप मिलकर एक सुपर ग्रुप बनाता है। ठीक है, उसका जो सेकेंड जो रहता है वो रहता है ग्रुप। लेकिन हमारे पास है फॉर्मेशन, मेंबर, बेड एंड फ्लो। अब बेड कब बोलना है, फ्लो कब बोलना है, अब यहाँ पर ऐसे लगा कि बेड्स भी हो सकता है, बेड भी हो सकता है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर फ्लो भी हो सकता है, फ्लोज भी हो सकता है, बट ये दोनों सेम ही है, दोनों का मीनिंग सेम है, बट इसका जो मतलब इसको कब बेड बोलना है कब फ्लो बोलना है वो डिपेंड करता है, मीन्स सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम उसको कभी बेड बोलते हैं कभी फ्लो बोलते हैं। बेड कब बोलेंगे, जब बात आएगा सेडिमेंट्री रॉक बेड का। ठीक है, बट फ्लो कब बोलेंगे, जब बात आएगा इग्नियस का, क्योंकि इग्नियस फ्लो होता है, तो ऑब्वियसली इग्नियस जो फ्लो होगा तो उस एक फ्लो के ऊपर और एक फ्लो बनता है और एक फ्लो बनता है, तो इसी कंडीशन में इनकेस ऑफ इग्नियस हम ये टर्म को यूज कर सकते हैं फ्लो को। ठीक है, बट जब बात करते हैं सेडिमेंट्री रॉक बेड का, तो सेडिमेंट्री रॉक के अंदर हम उसको बेड ही यूज करेंगे। ठीक है, वहाँ पर फ्लो हम यूज नहीं कर सकते। अगर गलती से भी आपने अगर सेडिमेंट्री के अंदर फ्लो टर्म यूज किया तो ऑब्वियसली आपका ये रॉन्ग होने वाला। उसी तरह अगर आप इग्नियस के अंदर बेड का यूज करते हैं तो वो भी रॉन्ग होने वाला। तो सबका अपना अपना एक कंडीशन है। ठीक है, इग्नियस में आप फ्लो यूज करोगे, इग्नियस फ्लो होता है और सेडिमेंट्री में आपको बेड यूज करना है। तो यहां पर उसी तरह जैसे कुछ मिलीग्राम मिलके ग्राम बनता है, उसी तरह कुछ ग्राम बनके किलोग्राम बनता है। अब ये कितना मिलीग्राम कितना बनता है वो सब आपको पता है, जैसे देखिए 1000 ग्राम मिलके 1 किलो हम बोलते हैं 1 kg किलोग्राम। ठीक है, तो ये सब आपको पता है, तो यहाँ पर मैं यही बोलना चाहता हूँ कुछ बेड मिलके। ठीक है, अब कितना बेड, जैसे यहाँ पर 1000 का बात हो रहा था, यहाँ पर 1000 का बात नहीं होगा। ठीक है, कुछ भी मतलब यहाँ पर नंबर वेरी कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर बेड या फिर फ्लो मिलके मेंबर बनते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर अब बेड के लिए, अब मेंबर के लिए मतलब जैसे हम यहाँ पर बोले थे इग्नियस के लिए हम यहाँ पर फ्लो बोल रहे थे और सेडिमेंट्री के लिए बेड बोल रहे थे, उसी तरह यहाँ पर सेडिमेंट्री, जैसे सेडिमेंट्री का कुछ बेड मिलके जो बनेगा वो मेंबर रहेगा, इग्नियस का भी जो बनेगा वो मेंबर ही रहेगा। अब सेडिमेंट्री के लिए जैसे बेड के लिए यहाँ पर डिफरेंट टर्म नहीं यूज किया गया और फ्लो के लिए डिफरेंट टर्म यूज नहीं किया गया, दोनों के लिए कॉमन एक ही टर्म यूज किया गया, मेंबर। तो हाँ, कुछ रॉक बेड्स या फिर कुछ फ्लो जब मतलब मिक्स होते हैं या फिर कुछ कंबाइन होकर एक मेंबर बनाते हैं, उसी तरह कुछ मेंबर कंबाइन होकर फॉर्मेशन बनाते हैं, उसी तरह कुछ फॉर्मेशन कंबाइन होकर ग्रुप बनाते हैं, उसी तरह कुछ ग्रुप कंबाइन होकर सुपर ग्रुप बनाता है। अब इसका आइडिया आपको आ जाएगा जब हम सक्सेशन मतलब एक्सप्लेन करेंगे या फिर सक्सेशन के ऊपर जब हम अपकमिंग वीडियोज में डिस्कस करेंगे, जैसे लाइक हमारे पास सक्सेशन है कुछ, जैसे विंध्यान हमारा सिलेबस में है, कुडप्पा, ठीक है, और ओडिशा झारखंड का प्रोविनेंस, धरवार, ये सब जो सिलेबस में, तो वहाँ पर जब हम सक्सेशन यूज करेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम जिसे हमने क्रोनोस्ट्रैटिग्राफी में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट देखा था ये जोन था और सबसे बिगेस्ट था इओन थीम था, उसी तरह यहाँ पर ग्रेजुअली डिक्रीज होता है, इसी तरह यहाँ पर भी ग्रेजुअली सबसे बड़ा जो रहेगा सुपर ग्रुप, अगेन हमारे पास पेड फॉर्मेशन सबसे स्मॉलेस्ट रहेगा, तो उसी तरह यहाँ पर भी ग्रेजुअली डिक्रीज होते हुए आ रहा। आपको ये चीज़ करना क्या है, आपको यहाँ पर सिक्वेंसली याद रखना है, मीन्स क्रोनोस्ट्रैटिग्राफी अगर आपको पूछ रहा है तो मतलब आपको शॉर्ट नोट में 2 मार्क में पूछने ही वाला है। ठीक है, या तो स्ट्रैटिग्राफी पूछेगा या तो लिथोस्ट्रैटिग्राफी पूछेगा, तो आपको लिखना क्या है, यही जो आपको दिख रहा है इसको सिक्वेंसली लिखना है, क्योंकि ये सिक्वेंस में ही है, जिसे 1 के बाद 2 ही आएगा, 2 के बाद 3 ही आएगा। ठीक है, अब 1 के बाद आप डायरेक्टली 4 नहीं लिख सकते, उसके बाद 3, 2 ऐसे नहीं लिख सकते, इसका भी कुछ एक रूल रहता है, इस तरह ही आपको लिखना है। उसी तरह इनकेस ऑफ स्ट्रैटिग्राफी आपको भी इसी एक सिक्वेंस में लिखना है, सबसे पहले जाएगा इओन थीम, तो आपको ये चीज़ याद रखना होगा। अब याद कैसे होगा, जब बार बार आप इसको लिख के प्रैक्टिस करोगे, जितना आप इसको प्रैक्टिस करोगे उतना आपको ये याद रहेगा, और इसके ऊपर मल्टीपल मतलब आपको एमसीक्यू भी पूछने वाला है। ठीक है, मल्टीपल टाइप के एमसीक्यू भी इसके ऊपर बनते हैं, वो कैसे बनते हैं लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। तो यही है क्रोनोस्ट्रैटिग्राफी यूनिट और स्ट्रैटिग्राफिक यूनिट, 12 के बेसिस पे ऑब्वियसली यही दो ज्यादा ही पूछते हैं। ठीक है, अब जब बात करते हैं, लास्ट हमने एक टाइप देखा था बायोस्ट्रैटिग्राफिक यूनिट, ये 12 के बेसिस पे कभी भी आपको नहीं पूछने वाले। 12 के जितना भी आपका क्वेश्चन पेपर है 12 का, वो आप एक बार ओवरव्यू ले सकते हो, कहीं पर भी आपको बायोस्ट्रैटिग्राफी की यूनिट के ऊपर क्वेश्चन नहीं मिलेगा, बट स्टिल थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे शॉर्ट में। बट यहाँ पर जिसे हमने लिखा है रेंज जोन, ठीक है, जब हम बात करते हैं बायोस्ट्रैटिग्राफिक यूनिट का, यहाँ पर भी कुछ हमारे पास रहता है, जिसे हमने देखा इस तरह हम रिप्रेजेंट कर रहे थे किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम, उसी तरह यहाँ पर भी हमने रिप्रेजेंट किया रॉक बेड को। तो यहाँ पर भी जिस जब रिप्रेजेंटेशन किया जाता है तो यहाँ पर भी कुछ पैरामीटर्स यूज होते हैं, रेंज जोन होता है हमारे पास, इंटरवल जोन होता है, लीनियर जोन होता है, असेंबलेज जोन और अबुंडेंस जोन। बट यहाँ पर जैसे हम बोले थे इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये आ रहे हैं, यहाँ से देखेंगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर, ऊपर से देखेंगे तो डिक्रीजिंग ऑर्डर, मीन्स कुछ जब रॉक बेड बनते हैं तभी आपको मेंबर देखने को मिलेगा, मत मीन्स कुछ रॉक बेड जब कंबाइनली बनते हैं तो वही मेंबर फॉर्मेशन करते हैं, अगेन कुछ मेंबर कंबाइनली आपको एक फॉर्मेशन देते हैं, कुछ फॉर्मेशन कंबाइनली आपको ग्रुप देता है। तो यहां पर उस तरह नहीं है, यहां पर मतलब इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं लिखा गया, मींस यहां पर ये रैंडमली लिखा गया। रैंडमली में यहाँ पर लिखने का मीनिंग क्या है, तो यहाँ पर इस तरह हम रिप्रेजेंट नहीं करते जैसे यहाँ पर मतलब स्मॉलर या फिर ग्रेटर, यहाँ पर कोई स्मॉलर या फिर ग्रेटर नहीं है और सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो वेरी करता है बायोस्ट्रैटिग्राफिक यूनिट। बट ये बायोस्ट्रैटिग्राफिक यूनिट 12 का आपका सिलेबस में कभी भी पूछने वाले नहीं है, या फिर 12 के जितना भी क्वेश्चन पेपर है उसके ऊपर देख लीजिए, आपको कभी भी वो नहीं पूछेंगे। तो ये ना भी याद रहा तो भी चलेगा, मीन्स ये अगर याद नहीं है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट
जो मतलब 12 के ऊपर के स्टूडेंट है, ठीक है, 12 के बाद के जो भी स्टूडेंट्स हैं, तो उनके के लिए ये जो बायोस्टैटिग्राफिक यूनिट है इसके के लिए हम सेपरेट एक वीडियो बनाने वाले हैं, उसके ऊपर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ये रेंज जोन क्या है या फिर बायोस्टैटिग्राफिक यूनिट है क्या, इसका डेफिनेशन अच्छा से हम एक्सप्लेन करेंगे, वहाँ पर रेंज जोन क्या है एक्सप्लेन करेंगे। ये वीडियो जो है ऑब्वियसली 12 के लिए ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद इंटरवल जोन क्या है, लीनियर जोन क्या है, ये सब चीज़ें हम वन बाई वन अपकमिंग वीडियोज में जब बायोस्टैटिग्राफी के ऊपर डिस्कस करेंगे डिटेल में, तो वहाँ पर हम ये सब चीज़ देखेंगे। बट अगर 12 का स्टूडेंट को ये चीज़ याद नहीं रहता तो भी चलेगा, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपको याद क्या रखना है, तो आपको याद रखना है क्रोनोस्टैटिग्राफिक यूनिट और लिथोस्टैटिग्राफिक यूनिट। क्रोनोस्टैटिग्राफिक यूनिट में है क्या, इओन थेम है, एरा थेम है, सिस्टम है, सीरीज है, स्टेज है, सब जोन सब स्टेज है, उसके बाद जोन है, ठीक है। उसी तरह आप जब बात करते हैं लिथोस्टैटिग्राफिक यूनिट में, वहाँ पर सुपर ग्रुप है, फॉर्मेशन है, मेंबर है, बेड एंड फ्लो है, ठीक है। तो इस तरह इसको रिप्रेजेंट किया जाता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में और डिक्रीजिंग ऑर्डर में। यहाँ पर से क्वेश्चन क्या आएगा, आपको इस तरह क्वेश्चन पूछेंगे, लिथोस्टैटिग्राफिक यूनिट में सबसे बड़ा जो यूनिट है क्या है, आपको लिखना है सुपर ग्रुप। सबसे स्मॉलेस्ट क्या है वो भी पूछेंगे, और यहाँ पर ये भी पूछ सकते हैं इनकेस ऑफ इग्नियस सबसे स्मॉलेस्ट क्या रहेगा, इनकेस ऑफ सेडिमेंट्री सबसे स्मॉलेस्ट क्या रहेगा। जब इग्नियस का बात आएगा आपको लिखना है फ्लो सबसे स्मॉलेस्ट रहेगा इन लिथोस्टैटिग्राफिक यूनिट, जब बात आएगा सेडिमेंट्री रॉक बेड का तो सबसे जो स्मॉलेस्ट रहेगा वो सेडिमेंट्री का जो बेड ही रहेगा, ठीक है। अगेन सबसे बिगेस्ट जो पूछेंगे वो सुपर ग्रुप रहेगा, ठीक है, इस तरह आपको पूछ सकता है। इसी तरह आपको क्रोनोस्टैटिग्राफिक में भी बिगेस्ट जो रहेगा इओन थीम रहेगा, स्मॉलेस्ट जो रहेगा जोन रहेगा, इस तरह आपको क्वेश्चन वो पूछ सकता है, या फिर शॉर्ट नोट में डायरेक्टली आपको बोल सकते हैं क्रोनोस्टैटिग्राफिक यूनिट क्या है उसको लिखना है, तो यहाँ पर ये चीज़ आपको मेंशन करना है। लेकिन लिथोस्टैटिग्राफिक यूनिट भी शॉर्ट नोट में आपको पूछ सकते हैं, तो उसमें भी यहाँ पर ये चीज़ मेंशन करना है, ठीक है। अब रही बात क्वेश्चन किस तरह आता है, ये तो मैंने बता दिया, शॉर्ट नोट भी पूछ सकते हैं या फिर बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट के अकॉर्डिंग भी पूछ सकते हैं, बट इतना ही नहीं पूछते, इसके बाद भी और एक क्वेश्चन रहता है। तो यहाँ पर एक कोरिलेशन किया जाता है क्रोनोस्टैटिग्राफिक यूनिट को और जियो क्रोनोस्टैटिग्राफिक यूनिट को, यहाँ पर कोरिलेशन किया जाता है। जैसे हमने टाइम स्केल में देखा था, हमारे पास था इओन था, एरा था, ठीक है, पीरियड था, एपोक था, एज था, फेज था, तो यहाँ पर भी उसको कोरिलेट किया जाता है, मीन्स क्रोनोस्टैटिग्राफिक यूनिट और जियो क्रोनोस्टैटिग्राफिक यूनिट को यहाँ पर कोरिलेट किया जाता है। अब क्रोनोस्टैटिग्राफिक यूनिट क्या है यही आपने आपको मैं समझा दिया, बट यहाँ पर जियो क्रोनोग्राफिक यूनिट क्या है, मतलब जियो क्रोनोग्राफिक जो यूनिट है, जियो क्रोनोस्टैटिग्राफिक यूनिट वो है क्या, उसके ऊपर थोड़ा सा देखते हैं। तो लेट मी इरेज, ये पार्ट को इरेज करके यहाँ पर लिख के आपको बताता हूँ। तो यही आपका जियो स्टैटिग्राफिक यूनिट, ठीक है, क्रोनो जियो स्टैटिग्राफिक यूनिट इसी को ही हम बोलते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है, देखिए, जैसे हमने क्रोनोस्टैटिग्राफिक यूनिट देखा, अब जब बात करते हैं जियोस्टैटिग्राफिक यूनिट या फिर क्रोनो जियोस्टैटिग्राफिक यूनिट, दोनों का मीनिंग सेम ही है, ठीक है, बट क्रोनोस्टैटिग्राफिक यूनिट इज डिफरेंट एंड जियो क्रोनोग्राफिक यूनिट इज डिफरेंट, ओके। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, हम इसको रिलेट कर रहे हैं, किसको किसको रिलेट कर रहे हैं, क्रोनोस्टैटिग्राफिक यूनिट एंड जियो क्रोनोस्टैटिग्राफिक यूनिट, ठीक है। जैसे आपने टाइम स्केल में देखा था, हमारे पास कुछ इओन थे, ठीक है, मेजर जो हमारे पास दो इओन थे, प्री कैम्ब्रियन और फानेरोजोइक, उसी तरह कुछ एरा थे हमारे पास, ठीक है, क्या क्या एरा था, हेडन था, आर्कियन था, प्रोटेरोजोइक था, पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सेनोजोइक, उसी तरह कुछ पीरियड थे जैसे कैम्ब्रियन, ऑर्डोविसियन, सिलूरियन, ट्राइसिक, जुरासिक, क्रेटासियस, टर्शियरी, ये इस टाइप के कुछ हमारे पास पीरियड थे। उसी साथ हमारे पास कुछ एपोक थे, ठीक है, इओसीन, मियोसीन, इस टाइप के एपोक थे, एंड हमारे पास फाइनली फेज था, ठीक है। तो ये टाइम स्केल में आपको यहाँ पर ये सब चीज़ के ऊपर इंट्रोडक्शन दिया गया था, इसीलिए यहाँ पर इसके ऊपर मैं एक्सप्लेन नहीं करता हूँ। तो यहाँ पर क्या करना है, कोरिलेट करना है, कोरिलेशन पूछेंगे, मीन्स क्रोनोस्टैटिग्राफी का सबसे जो बड़ा यूनिट है वो जियो क्रोनोस्टैटिग्राफिक यूनिट के साथ किसके साथ इक्वल है। तो जियो क्रोनोग्राफी यूनिट और क्रोनोग्राफिक यूनिट में ये दोनों जो रहता है इनका मतलब जो ये दोनों सेम रहेंगे, ठीक है। इओन थीम जिसको ही हम बोलते हैं क्रोनोस्टैटिग्राफिक यूनिट में, उसी को जियो क्रोनोस्टैटिग्राफिक यूनिट में हम उसको इओन बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हम बोलते हैं एरा थीम, तो उसको यहाँ पर एरा बोलेंगे। तो यही चीज़ आपको पूछने वाला है। तो यहाँ पर पूछेंगे किस तरह, आपको पूछेंगे मतलब जो क्रोनोस्टैटिग्राफिक यूनिट में जो इओन थीम है वो जियो क्रोनोस्टैटिग्राफिक में किसके साथ इक्वल है। कुछ आपको वहाँ पर एमसीक्यू में ए बी सी डी कुछ ऑप्शन दे देंगे वहाँ पर आपको, जैसे इसका पूछेंगे तो ऑब्वियसली वो इओन तो देंगे, उसके और कुछ यहाँ पर तीन मिक्स कर देंगे। तो आपको सिलेक्ट किसको करना है, इओन थीम जो रहेगा इओन के साथ इक्वल रहेगा, उसी तरह एरा थीम आपको एरा के साथ इक्वल रहेगा, ठीक है, सिस्टम जो रहेगा पीरियड के साथ इक्वल रहेगा। बट ये तो कभी वो पूछेंगे नहीं, क्योंकि ये इजी पता ही चल जा रहा है, मीन्स यहाँ पर खाली थीम लगा हुआ, नहीं तो ये देखिए यहाँ से पता चल जा रहा है इओन का इओन ही रहेगा, एरा का एरा रहेगा। तो पूछेंगे क्या वो इसके ऊपर पूछेंगे, ठीक है, इसके ऊपर ही पूछेंगे। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, थोड़ा सा किस तरह याद रखना है, बार बार आप जब लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। सिस्टम को मतलब सिस्टम के साथ जो इक्वल रहेगा इन जियो क्रोनोस्टैटिग्राफिक यूनिट वो रहेगा पीरियड, ठीक है। उसी तरह सीरीज के साथ जो रहेगा एपोक रहेगा, मतलब स्टेज के साथ जो रहेगा एज रहेगा, सब स्टेज के साथ जो रहेगा सब एज आप लिख सकते हो, अगेन जोन के साथ जो रहेगा फेज रहेगा। तो ये चीज़ आपको ये भी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यहाँ से देखते हैं तो डिक्रीजिंग ऑर्डर, यहाँ से देखते हैं तो इंक्रीजिंग ऑर्डर, मीन्स कुछ फेज मिलकर सब एज बनता है, कुछ सब एज मिलकर एक एज बनता है, कुछ एज मिलकर एक एपोक बनता है, कुछ एपोक मिलकर एक पीरियड बनता है, कुछ पीरियड मिलकर एक एरा बनता है, कुछ एरा मिलकर एक इओन बनता है, ठीक है। तो आपको इस तरह भी पूछेंगे, या फिर
और किस तरह क्वेश्चन पूछेंगे, मीन्स यहाँ पर देखिए मैं बता दिया शॉर्ट नोट के लिए ये दे सकते हैं, या फिर आपको लिथोस्टैटिग्राफिक यूनिट भी आपको दे सकते हैं, या फिर यहाँ पर कोरिलेशन पूछ लेंगे, या फिर बिगेस्ट स्मॉलेस्ट पूछ लेंगे। और यहाँ पर क्या पूछेंगे कि यहाँ पर मतलब आपको पूछ लेंगे व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जियोक्रोनोस्टैटिग्राफिक यूनिट, ठीक है, कौन सा जियोक्रोनोस्टैटिग्राफिक यूनिट नहीं है। तो यहाँ पर से आपको दो तीन दे देंगे, यहाँ पर से कोई एक दे देंगे, ठीक है। तो कौन नहीं है, ये सब नहीं है, बट यहाँ पर कन्फ्यूजन करने के लिए ये ऑप्शन में देंगे, तो आपको लगेगा कि इनमें से आप कुछ एक चूज कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्वेश्चन पूछते हैं। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, शॉर्टनेट के लिए प्रिपेयर होना है, क्रोनोस्टैटिग्राफिक यूनिट के लिए, लिथोस्टैटिग्राफिक यूनिट के लिए प्रिपेयर होना, और उसका आपको कौन सा सबसे बड़ा है कौन सा छोटा है ये देखना है, और यहाँ पर आपको कोरिलेशन में भी देखना है, ठीक है। और कोरिलेशन जब भी आपको पूछेंगे कि इनमें से कौन सा जियोक्रोनोस्टैटिग्राफिक यूनिट नहीं है, तो देखिए ये सब जियोक्रोनोस्टैटिग्राफिक यूनिट नहीं है। जब थीम लगेगा तो ये तो आपको पता चल जाएगा, बट ये जो ये सब रहे इनमें कन्फ्यूजन होगा। तो यहाँ पर एक देखिए एस एस, यहाँ पर सब में एस लगा हुआ है, ठीक है। एस जहाँ पर भी लगेगा वो क्रोनोस्टैटिग्राफिक यूनिट है, वो आपको याद रखना। बट यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो भी चार है यहाँ पर एस नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ आप कॉमन एक ले सकते हैं। तो ये था ऑल अबाउट स्टैटिग्राफिक यूनिट। कुछ भी डाउट हो कमेंट कर दीजिए, वीडियो अगर अच्छा लगा लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल और सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट जब हम डिस्कस करेंगे स्टैटिग्राफिक जो भी मतलब प्रिंसिपल है, तो आप सबसे पहले उसे देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।